के लिए काफी विधिया इनकॉर्पोरेट हुई है। भैया आप आगे लेके फोकस ले लो तो यहाँ से उनको दिख पाए। सबसे ज्यादा मतलब कैसे रहता है ना कि किसी दो जोड़ियां रहती है कि एक दूसरे के साथ जिनका मेल रहता है। अम्ल रस में इसमें आप नींबू का स्वरस भी दे सकते हो, बट राउंड द ईयर अगर आपको कंसिस्टेंट प्रोडक्शन करना है तो बटर मिल्क इज समथिंग विच इज अवेलेबल एट द सेम कॉस्ट राउंड द ईयर। नींबू का आप समर में नींबू लेने जाओ उतना ही जूस एक्सपेल करना है, आपका कॉस्ट ट्रिपल हो जाएगा। सो व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ थिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस तो ये चीजें भी आपको थोड़ा सोचना जरूरी होता है अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स। अब अम्ल तक्र का विचार यहाँ पे लिया है कि अम्ल तक्र कैसे आते है, ये शंख नाभिली है। अभी थोड़ा मैं दोनों द्रव्यों के बारे में पहले आपको विशद करता हूं। शंख ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, बीच पे भी आप मिलते हैं, पर ये शंख जनरली हम इस्तेमाल नहीं करते। प्रेफरेबली हमें शंख जो इस्तेमाल करने हैं साबुत शंख मिल जाए तो वो इस्तेमाल करना है, नहीं तो दूसरा फॉर्म मिलता है कि आपको शंख अलग मिलेगा और हार्ड एंड स्टोनी सब्सटेंस। पीछे के यहां पे आ रही है आवाज आपको या विजिबल नहीं है? है ना? नहीं है तो बताइए, वी विल चेंज अरेंजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। शंखनाभि का प्रयोग क्लिनिकल पीछे सुन तो आप आगे आ जाइए। डेमो के वक्त तकरा अम्ल है, इसका जो भी शंख के साथ रिएक्शन होते हुए उसमें से गैसेस लिबरेट होते हैं, इमर्ज होते हैं, वो सब रिलीज होते रहते हैं। इसमें लॉजिक इतना ही है, शंख में शुद्ध करने जैसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, बट आगे जो आपको भस्म निर्माण करना है उसमें उसकी पोरोसिटी, एक तो अम्ल रस अम्लाह क्षालयते मुख मनोरम, लेकिन क्षालन ये अम्ल है, मतलब एक डाव वगैरह देना असला तो कहते रहे तिकड़ डाव वगैरह कहते रहे हैंड फक्त। आइडियली 3 से 5 दिन 7 तक भी सोक कर रखते हैं, कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है 3 दिन बाद कई बार इसमें कंटामिनेशन डेवलप होता है। यहगा कि हर 2 दिन का तकर का जो आपका लॉट है वो आपको चालू रखना है कि जिससे पहले हुआ उसको हल्के गर्म पानी से धो के ड्राई करने की जरूरत नहीं, अगला तकर डाल के संगिनी या किताबों में देखोगे दे इन्वॉल्व जहां पे उन्होंने बोला है कि अम्ल द्रव्य में अम्ल कांजी में इसको स्वेदन करना है। कांजी भी अगेन ऐसे ही एक विचित्र प्रत्ययरब्ध द्रव्य। कांजी कैसे निर्माण करते कोई बता पाएगा? और उसमें तेल डालते हैं ना, ऊपर से तेल पड़ता है, तड़का लगा यहां पे लिया है आपने, ये अभी मैं इसमें से बाहर निकाल के रख रहा हूं, बाकी काफी बेसिक जो इंप्यूरिटीज है वो निकल जाती है। इसमें डाला था तब कुछ चीज हमने देखी थी कि पर्टिकुलर कुछ कॉडिया जो थी देवर नॉट सिंकिंग, देवर फ्लोटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो वो निकाल के फेंकना होता है क्योंकि दे डोंट हैव दैट पर्टिकुलर डेंसिटी। अगर हम थोड़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट देखेंगे तो जो ऑप्टिमल मटेरियल है आपका कि पीताभा गुरु लोट होते हैं ना, वो सिंपली आप डिस्कार्ड कर तो उठा के उसको फेंक दो, दे आर नॉट सपोज टू बी टेकन, क्योंकि ग्रंथि जिसके पीठ पे है जहां पे ग्रंथि रहेगी दैट मीन्स दिट इज अ कंसोलिडेशन ऑफ मास एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट टू एट द स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, तो वो क्वालिटेटिवली कभी भी अच्छा ही रहेगा कि इट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज थिंग। उसको प्रोड्यूस करने वाला एनिमल जो भी है हिज फिजियोलॉजी वुड बी एट बेस्ट, इसीलिए वो उतनी पोटेंसी का बना है। और जो ऊपर फ्लोट हो रहा है वो ये देखिए बताने वाला हूं, दिस इज समथिंग विच वी फॉलो ट्रेडिशनली एट अवर प्लेस। इतले पण जरा काढून घ्या ना, वेगळे ठेवत जा म्हणजे मग सगळं हर किसी को एक एक डिस्ट्रीब्यूट करके आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। रुईची पानं घ्या आतमध्ये। अभी यहां पे भी आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि विष का प्रयोग हर जगह आप इतना क्यों करते हैं। अभी यहां पे जो हम 2 द्रव्यों का प्रयोग करने वाले हैं कि हर शंख को अगर साबुत स्वरूप में है तो उसके अंदर हल्दी का चूर्ण हम भरते हैं पूरी तरीके से, थोड़ा रुई के पत्ते के साथ मिक्स करके,
रुई भी इस्तेमाल करते हैं, मेथी भी इस्तेमाल करते हैं। मेथी मुझे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मिली नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेथी मतलब बहुत पॉपुलर चीज है, पर यहाँ पे सिर्फ जाड़े में ही मेथी मिलती है। साल भर मेथी ये रीजन में मिलती नहीं है। कट इट इनटू फाइन पीसेस, जैसे आप पालक वालक का साग बना करने के लिए करते हो वैसे उसको बारीक चीर लीजिएगा। हल्दी उसके ऊपर डालेंगे, मिक्स इट वेल इन द शराब में करके उसको एक शंख दे, जरा पकड़ 1 मिनट है, सोच के बता पाएंगे कोई कि ये किस तरह का? ये हमने एक संपुट निर्माण किया है, जो पुटपाक विधि करते हैं, बेड़ालक करते हैं, इसमें भी इसी तरह, बस इसके ऊपर मिट्टी का एक कोटिंग और दिया जाता है। अभी यहां पे विष का प्रयोग क्यों किया है? सुधा वर्ग में आपने बाद में भी देखा होगा तो मारण में अर्कक्षीर का, अर्कपत्र सोरस, इनका ही प्रयोग होता है। तो कुछ द्रव्यों की एफिनिटी या उनका गामित्व, सहज गामित्व उनके साथ में जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए हमें उस तरीके से उनका चयन करते हैं। हल्दी का भी निर्माण इसीलिए यहाँ पे लेते हैं। मेथी, अगर वैसे देखा जाए कि मेथी के बारे में एक चीज, आप इनमें मेथी का ये हेतु करके मिलता ही है, इधर मेथी दाना या मेथी का पत्ता, इट कुड बी, मतलब इवन इन डायबिटिक पेशेंट्स आई हैव ऑब्जर्व कि दोज हु ऑल पर्टिकुलरली डेवलप न्यूरोपैथी, दे हैव सम यूज ऑफ मेथी दाना, कि भाई मतलब मेथी का दाना खाने से शुगर कम होती है, रोज भिगो के 2 चम्मच मेथी दाना खाएंगे। अल्टीमेटली मेथी इज समथिंग विच हेल्प्स यू डिटोरेट या धातु क्षय करने में बहुत अच्छी चीज है। तो जब मारण में हम पुटपाक करते हैं तो पत्ते से जब उसको बांध के पूरा बंद कर देते हैं अच्छी तरीके से, तो उसके बाद में वो संपुट जैसे बन जाता है कि अंदर की सॉरी आंख या रुई के जो कटिंग है वो जिस तरीके से जलने वाले हैं हल्दी के साथ, तो शंख का अभ्यंतर और बाह्य दोनों तरीके से पाक होता है, और जो सीक्रीशंस गीले वहां पे आते हैं उससे कहीं ना कहीं पे प्रिवेंशन, वो जीभ पे जो चरचराहट होती है वो इसमें बिल्डअप नहीं होती है कभी भी। बाकी आगे का जो प्रोसीजर है इसकी, आपका संपुट बनाने के बाद इसका भट्टी में आपको लगाने के लिए बाहर बताऊंगा, भट्टी हम लगाएंगे इसके साथ, कपरदिक भी अभी मैं बता रहा हूं। आगे की जो विधि होती है शंख मारण या इसमें, वो सरल है। एक बार इसमें आपका टूट जाएगा तो शंख नाभि जो आपको बताई, तो घृत कुमारी है, कुमारी स्वरस है, गुलाब जल है, गाय का दूध है, बकरी का दूध है, ये वही फिर भावना, जो गुण आप उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उसकी भावना आप उसको देने का प्रयास करो। अजादुग्ध है, यक्ष्मा में इस्तेमाल करना है, अजादुग्ध की भावना दो। अजादुग्ध इज नॉट समथिंग विच इज स्टेपली अवेलेबल, बट कल्प में अगर भावना दी है तो उसके गुण निरंतर रहते हैं। मतलब मुझे बीच में एक अकोला साइड में एक वैद्य जी थे, मेरे दोस्त के दादाजी थे, उनसे 1850 साल का बनाया हुआ महायोगराज गुग्गुल मिला, एंड विच इज स्टिल इफेक्टिव, देर इज नो कंसेप्ट एज एक्सपायरी। अनफॉर्चुनेटली FDA टेल्स अस टुडे कि आप स्वर्ण भस्मों पे भी एक्सपायरी प्रिंट करो, मतलब दादाजी के टाइम का, दादी का सोने का कंगन है तो वो एक्सपायर हो चुका है। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन टेक्निकली, अनलेस जहां पे चूर्ण उर्ण में आपको बताया है कि 4 साल का, 4 महीने का इसका सवीर्यता अवधि है, वहां पे वो वैसे पाए जाते हैं। पर जब जटिल कल्प आप निर्माण करते हो, प्रत्येकाला दया हल्दी और उसको जैसे सब्जी में मिलाते हैं वैसे मिला लीजिए। शंख में यहां से आपको दे रहा हूं, दे रहे छुरिया दे रहे आपको, नाइफ दे रहे हैं, ईशा को एक बार पूछ लो कुछ हेल्प चाहिए क्या उसको, रूम शिफ्ट पर आपको दिक्कत कुछ, आप थोड़ा साइड ट्रैक हुए हो इसीलिए। सुरी नहीं मैं वाली, हाँ शंख वो है और आप सब लोग करिए, बट्टी एक ही लगने वाली है। गोल्ड स्टैंडर्ड को एग्जामिनेशन इसलिए, ये तो पानी में तैरता नहीं है, बारी तक तो होता नहीं, तो नहीं इसमें मैं बताता हूँ, आप मुझे पूछिएगा मैं बताता हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब है मात का पट नहीं करना है, कौड़ी जो है वो हम शराब में डालने वाले हैं, तो बड़े पत्ते हैं तो उसको थोड़ा अलग रखिए, तो उसको बाहर से पैक करने के लिए थ्रेड शायद टिकड़े प्रत्येक, हाँ इसी में लपेटना है। ये मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा, ये तेंबुरनी है शायद, या इसमें लाल फल आते हैं बारीक, वापिस भट्टी में जाते हैं, दे गेट बेक्ड एंड वो फिर फाइनल लॉट में ऐड होते हैं। 400 मेज पे इसको भी आ जाता है, 400 मेज इज फाइनर देन योर टालकम पाउडर। सो इट इज अबाउट द फाइनेस दैट इट इज नॉट एबल टू ब्रेक द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, बट
तब 1000 में 1200 में इसका उस वक्त कोई भी मल्टीमिल या ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि विच वुड टेक अ मेटल टू अ सच अ फाइन कंसिस्टेंसी, पर वो आज अवेलेबल है। पर वो अगर कॉपर आप खाओगे तो उससे उल्टी पक्के से होनी है। सो ताम्र के बारे में छर्जी नयन में भी आपका चरक ने वही बोला है, आमले को लेके उसने रोली में डालने के लिए बोला है, नीचे आप काढ़ा जो है या दूध डालते हो और दूध की भाप पे आप आमला उबाल लेते हो, तो वही है, वो स्वेदन यंत्र हुआ। या आमले को आप डोला यंत्र करके भी डाल सकते हो। अभी गुग्गुल का भी कुछ लोग जो स्वेदन करते हैं, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो अलग है, जो आपने शायद किताब में पढ़ा होगा। गुग्गुल को कुछ लोग क्या करते हैं, पोटली बांध के उसको काढ़े में डाल देते हैं, जितना गल के आता है उतना गल के आता है, बाकी अंदर वेस्ट चला जाता है। हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हम गुग्गुल को काढ़े के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, गुग्गुल जितना घुलना है उतना वो घुल के सब निकल के आता है, उसको मल्टीपल टाइम्स छान लेते हैं, और फिर अगर पूरा सुखा के पाउडर करना है तो पुट इट इन अ ट्रे, ड्रायर में मत डालिए, वो चिकना होते रहता है, शेडो ड्राई कर दीजिए, धीरे धीरे सूख जाता है। नहीं है तो उसी में जो भी त्रिफला करना है, जो भी गुग्गुल आपको करना है, उसके द्रव्य डाल के गोली बना दीजिए। दैट्स द सिंपलेस्ट मेथड। तो यंत्र कोई भी मैंडेटरी नहीं होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कंसेप्ट व्हिच यू आर एम्प्लॉइंग फॉर अचीविंग दैट रिजल्ट ऑल्सो। और फिर ऊपर से पत्ता रख के इसको बांध दीजिए। क्या इसमें मिला लीजिए ना, थोड़ा अभी नीचे आप रखेंगे, ऊपर ये रखेंगे, बाकी ऊपर रख के तैयार हो जाए, एक साइड में रखिए, फिर भट्टी बाहर इकट्ठा लगाएंगे हम दोनों का। व्हाट इज द ड्यूरेशन टू डू सर निमज्जना इन तक? 3 से 5 दिन, मैंने बताया ना, हर दो दो दिन पे टकरा आप चेंज करते रहिए। नहीं होगा मृत करपट, नहीं होगा, डायरेक्टली लगेगा। इसके बाद कौड़ी कर लेंगे और फिर दोनों का भट्टी साथ में लगाते हैं। खाली शराब खालसे लागतील, बाकीचं काढून धुवून टाकू नंतर। हाँ जे कापून घे ना, काप दोरा पण घे। मैडम ने एकदा काही मदत हवी का बोल, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, अगर कोई देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप लोग फोकस कर सकते हो। पानी दे थोड़ा सा, हल्का चाहिए तो पानी का थोड़ा छींटा दे सकते हैं, या अर्कपत्र स्वरस है तो उसका छींटा देंगे तो और बेहतर रहेगा। इसमें माइक गे, इसमें मॉडिफिकेशन आप ये भी कर सकते हो, अर्क को चाहिए तो मिक्सी, ये ग्राइंडर है तो एकदम महीन पीस के चटनी। शंकर देना है, कितना देना है कार्डून? अरे इधर इसमें से दो ना निकाल के। अभी आप सब लोग देख सकते हैं इस तरह से शब्द को सर फिक्स कर रहे हैं आज का पत्र में, दो बड़ी सी पत्तियां लेकर दे अजून एक पान। इसमें हरिद्रा थोड़ा यवकुट है, अगर ये अभी हमने फाइन पाउडर लिया है, थोड़ा यवकुट है तो वो ज्यादा अच्छा चल जाता है। एक पान दे अजून, धागा जो भी आप लेंगे प्रिफरेबली कॉटन बेस में, सिल्क बेस में, सिंथेटिक हो, सिंथेटिक ना हो, नेचुरल चीज रहेगी तो ज्यादा। ये जरा खोलिए कोई उधर, ठीक है, छोड़ छोड़। ये आपका पहले जलने वाला है, तो अनलेस यू मतलब टिल द टाइम यू विल स्टेबिलाईज इट प्रॉपरली इन द पुटम, उतना ही समय आपको इसे देना है। सर
हाँ वो हो जाता है, पर वो चूने की तरफ जाता है ज्यादा। पफिनेस शंख में कभी भी नहीं आता है, आप डायरेक्ट अंगार पे भी रखो, इट विल बिकम ब्रिटल और वो फूटते हुए जाएगा, पर वो कभी भी फूल गया है टंकण जैसे ऐसे नहीं होने वाला है। तो दैट इज समथिंग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन विच समबडी हैज डन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट आई एम शेयरिंग प्योरली माय एक्सपीरियंसेस। तो शंख कभी भी फूलता नहीं है। ओके अरे वो थोड़ा डिस्टेंस की वजह से हो रहा है। बताए कोई सूत्र है याद किसी को, कल बताएगा कोई मुझे? ठीक है कल बताइएगा मुझे। तो अम्ल पित्त में साम पित्त की जो अवस्था होती है, यहां पे जो पाचन करना है, शंख का जो काम है, सुधा वर्ग का काम है कि ये शोषण से काम करता है, ये रुक्ष है। थोड़ा आप साइड होंगे तो सब लोग, तो अभी मुझे सवाल यहां पे पूछा गया था कि ग्रंथ में जो बोला गया है कि खुले अंगार में शंख को छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप टूट जाता है और बस उसकी भस्म बन जाती है, तो इतना फिर ये सब कांड हम क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे अभी थोड़े जो थॉट्स है वो बताता हूं कि शंख या कोई भी सुधावर्द आप देखेंगे तो ये शोषण प्रधान द्रव्य है, ये रुक्ष है भस्म में, मतलब साबुत शंख आप लेंगे तो उसमें शोषण की कैपेसिटी कुछ भी नहीं होगी, शोषण क्षमता कुछ भी नहीं होगी। और प्रवाल पंचामृत अकेले शंख भस्म से ज्यादा इफेक्टिवली काम क्यों करता है अतिसार में? क्योंकि अर्कक्षीर की भावना है, अर्कक्षीर जो है ये साबुत साम पित्त का जो भी परमाणु है उसका पाचन करने में। तो अभी उधर उस ग्रुप में मुझे सवाल उन्होंने पूछा था कि जैसे धातु भस्म में वारी तरह तो ये गोल्डन क्राइटेरिया समझते हैं, तो इसके लिए गोल्डन क्राइटेरिया क्या है? किसी भी सुधा वर्ग के लिए गोल्डन क्राइटेरिया है कि वो जीप पे डालने के बाद उसको चरचर नहीं होना चाहिए, दैट इज द थिंग। वो अगर आपका अचीव हो गया, चरपरापन हो गया, मतलब उसको फेंक देना ऐसा नहीं है, चरपरापन आ गया तो उसको गाय के नवनीत में उसको आप जैसे वसंत कल्प निर्माण करते वक्त स्वर्णमाली विसंत को हम मक्खन में उसको घोटते हैं जब तक निस्नेह होने तक, यहाँ पे सिर्फ आपको नींबू का रस नहीं देना है। पर अगर चरपरा हुआ है सिंपली मक्खन के साथ उसको मर्दन करिएगा, मर्दन करने के बाद उसको एक पुट लघु पुट दे दीजिए जिससे स्नेह जल जाए, उसके बाद दुग्ध की दो तीन भावना देके उसको दैट कैन बी कन्वर्टेड कि जिसका चरपरापन नहीं रहेगा और जो यूजेबल स्टेट में वापस आ जाएगा। क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में जब आप करते हो ये चीजें, ये गड़बड़ियां होती है, तो हाउ टू मैनिपुलेट दैट, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिससे आपका भस्म यूजेबल रहता है। तो अभी आपके सबके शंख का हो गया है निर्माण तैयार? हेलो ना जरा गैस वर पेटवायल ठेव, गैस वर हाँ, म्हणजे काय जैसे तुकड़े पेटली ना कि उसका तुकड़ा करके हर एक पे एक एक रख देंगे तो इट विल कैच फायर। डाला है रात्रभर चालणार भट्टी, आप अगर खड्डे में भी बना रहे हो नीचे या ऊपर भी सरफेस पे कर रहे हो, इट डजंट मेक डिफरेंस। नीचे जो जाता है उसका रिटेंशन ज्यादा होता है क्यों? जमीन के अंदर है। पर भट्टी, कई लोग गलती करते हैं कि लंबा लंबा ऐसे कपड़ा बनाएंगे रॉकेल में भिगो के वो नीचे तक घुसा के रखते हैं, फिर ऊपर से तीली लगाएंगे कि वो बारूद जैसे जल जाएगा, वैसे नहीं होता। इट हैज टू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ टॉप। यहाँ पे भी दिशा का विचार है, गामिता जो है आपका ऊपर से नीचे तक वो सेटल होते जा रहा है। हर जगह में जो प्रोसेस है आयुर्वेद में वो, तो कई बार रोटेशन भी आप क्या ले रहे हो, वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, दीज थिंग्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन, पहले आप भट्टी लगा लो, वील हैव फूड, उसके बाद में आपको डिस्कस करना है तो आई एम देर। नहीं ये अगर आप ले लेंगे तो ये और ज्यादा इसका पोटेंशियल दवा का बढ़ जाता है, नहीं लेना है इसको छोड़ भी सकते हैं।